मेरे साथ आप देख सकते हैं जुड़ चुकी है नीतू सिंह जी, इनका भी यूट्यूब चैनल है मुक्तेश्वर हिल्स के नाम से, बहुत ही अच्छा ये चैनल बनाती हैं और वीडियो भी इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनके रहते हैं। तो हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे मैम? हेलो, मेरा नाम नीतू सिंह है और मेरा यूट्यूब चैनल है मुक्तेश्वर हिल्स। तो आज मुझे नीरज दा मिल गए हैं, तो आज हम इनके साथ ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका चैनल देखें, सब्सक्राइब करिए, ये काफ़ी अच्छा वीडियो बनाने की अभी स्टार्टिंग है, लेकिन आप सबका सपोर्ट मुझे भी चाहिए और नीरज दा को भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अरे रास्ता क्यों लगा रखा है, नहीं तो रास्ते को और नीचे कर देते ना, इससे आगे को जाना होता तो। चट्टान के सिरे पे जाना मना है और लिखा भी है, आ जाएगी फोटो वहां से भी। भीड़ अपनी जिंदगी मान नहीं रही है, अपनी जिंदगी से प्यारे फोटो है, फोटो पहले चाहिए। ये जो भीड़ है, जो भीड़ आ रही है वो बहुत ही, उसने रस्सी लगाई है उसको भी अवॉइड कर रही है, और प्रशासन के लिए बड़ी मशक्कत का काम है। यहाँ पे हमारे साथ है प्रशासन के, पुलिस प्रशासन से जवान, जो कि लोगों को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि चट्टान के सिरे पे ना जाएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, चट्टान के सिरे तक पहुँच ही जा रहे हैं। क्या नाम? मेरा मदन बाबू है। तो हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे, काफ़ी मेहनत के साथ आप यहाँ पर को लगे हैं मॉर्निंग से? ठीक है, नौकरी है, करनी है, पब्लिक की सेवा करने के लिए है। पब्लिक की सेवा करने के लिए पुलिस की नौकरी आपने ज्वाइन की? जी हाँ। तो कैसा लगता है आपका अनुभव यहाँ का? सही लगता है, तो मुक्तेश्वर थाने में तैनात हैं आप? क्या मुक्तेश्वर थाने में? तो बहुत अच्छा। रहने वाले कहाँ के सर? अल्मोड़ा साइड। अल्मोड़ा साइड के? जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। अभी खड़ा हूँ मैं चौली की जाली में, ये होल है, देखिए एक महिला जो है वो उस होल से निकल के आती हुई, और बहुत ही सकरा होल है, लेकिन ये यहाँ पर को आती है। तो आप ये जो इससे आई, तो क्या आपका था, मकसद क्या था आने का? मकसद था जी कुछ मांग के आई। तो आपने मन्नत मांगी यहाँ पे? हाँ, पूरी हो जाती मन्नत मांगी। यहाँ पर को क्या मान्यता है इस होल की? जो भी मांगो मन्नत पूरी हो जाती है, जो भी मानो मन्नत पूरी हो जाती है। हाँ। थैंक यू। आपको डर नहीं लगा यहाँ से आते हुए? ना, नहीं लगा। जब भगवान लाते तभी जाते हैं वहाँ, नहीं तो नहीं जाते। और लोग भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए काफ़ी गहरा है, इसलिए लोग ट्राई करते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन मैं अभी वहीं पर को जहाँ पर कोई होल है वहाँ बैठा हूँ, और इस होल की ये मान्यता है कि यहाँ पे जो ये होल है, यहाँ पर को जो संतान प्राप्ति के लिए लोग आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। बहुत पुरानी मान्यता है कि इसमें इस होल से कोई भी लेडी जो पास हो जाएगी तो वो उसको संतान प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर को आके अपनी मन्नत को पूरा किया, ये आस्था का विषय है, और आस्था में तर्क की कोई भी बात नहीं होती, आस्था अपने आप में आस्था है। लेकिन ये जो होल हुआ है, तो ये होल जो है हमारा वो कितना सेंटीमीटर है या कितना इंच है वो मैं आपको नाप के बताऊंगा। आकाश थोड़ा और आगे आ जाएंगे। तो मैंने अभी इंच टेप इसमें लगा दिया है, और ये तकरीबन 19 इंच के करीब ये बता रहा है। तो आपने देखा कि ये 19 इंच का होल है। एक बार मैं और आपकी जानकारी के लिए इस होल को टेस्ट करूँगा, तो अगर हम इस होल में इसका डाया नापते हैं तो ये 19 इंच का बता रहा है। तो 19 इंच के छेद से काफ़ी लोग यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं, ये भी अपने आप में गॉड गिफ्ट है, और यहाँ पर को लोग आस्था की वजह से भी आते हैं, और कई लोग यहाँ पर को अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जब जब भगवान बुलाते हैं तभी आया जाता है, अन्यथा नहीं आ सकते। और इसकी गहराई देखिए आप कितनी गहरी है, और नीचे काफ़ी डेप्थ है। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी ऊपर जाकर बैठ गए हैं, और ये जो हाइट है, और जिनको हाइट फोबिया है वो तो यहाँ नहीं आए तो बेहतर होगा, क्योंकि नीचे बहुत ही गहरी खाई है, लोग फिर भी इसमें जाते हैं।
बहुत किनारे मत जाइए आप, बहुत किनारे नीचे खाई है यारी। तो एक युवक और ट्राई कर रहे हैं जाने की तरफ बढ़ते हुए, और ये बहुत 19 इंच के छेद से ये आसानी से नीचे को सरक गए हैं, और फिर ये घूमे और घूमने के बाद ये नीचे खाई में जाते हुए आराम से जाएंगे। ये नीचे थोड़ा सा रास्ता है लेकिन डेंजरस तो बहुत है, लेकिन आस्था के सामने डर की कोई भी जगह नहीं होती। नीचे आके फिर दोबारा यही बंदा जो है ये फिर से जा रहे हैं, और देखते हैं आकाश। नीचे से ये 19 इंच भी नहीं लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है। हाँ। एंड ये यहाँ पे मान्यता ये है कि बिना सपोर्ट के ही आपको यहाँ से जाना होता है, एंड जितने भी ये लोग यहाँ से आर पार हो रहे हैं सारे ही बिना सपोर्ट के जा रहे हैं। एंड अभी देखिए ये बिल्कुल एकदम हवा में है, और ये पहुंच चुके हैं इस छेद के दूसरी ओर, और ये सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी मान्यता पूरी हो। पेड़ में चढ़ने की आदत है शायद, हैं? अभी अभी आपने देखा कि बहुत आसानी से उस 19 इंच के छेद से ये जो महिला हमारे साथ खड़ी है वो उतर के आ गई थी। मकसद सिर्फ एक कि इनकी मनोकामना शिव पूरी करे। तो आपको कैसा लगा ऊपर से नीचे आते समय? अच्छा लगा। चला कोई घबराहट या डर? तो क्या कारण था कि आप ऊपर से नीचे आई अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद? अपने बच्चों के कारण। अपने बच्चों के कारण? तो कुछ अपने जो मन्नत मांगी हुई उसके कारण आप आए। तो अब एक बार तो आप आगे, अब दोबारा भी जाएंगे ऊपर? हिम्मत है? तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत हिम्मत है, बहुत साहसी महिला है, और कुमाऊँ की हर एक महिला बहुत साहसी होती है, और वो साहस का अपना परिचय देंगी और फिर ऊपर जाएंगी बिना किसी सपोर्ट के। थैंक यू। अब ये जा रही है ऊपर, और देखिए कैसा है, जो वो छेद है वो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है यहाँ पर से, और आसमान नीला और आधा बादल से घिरा हुआ है, और बिना किसी सपोर्ट के हमें डर लग रहा है, लेकिन अरे वाह बहुत ही खतरनाक। ये देखिए ओहो, बहुत ही आसानी से ये चढ़ गई हैं, लगता है ये प्रैक्टिस करके आई हैं। अभी आपने देखा मैं और आकाश चौली की जाली पर हैं, और बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पीछे साइड कितनी भीड़ है। अमूमन यहाँ पर इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन शिवरात्रि का पर्व होने के कारण यहाँ बहुत भीड़ है। और अभी आपको दिखाया आस्था के साथ किस तरीके से लोग उस छोटे से छेद में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य हो जाता है यहाँ पर का, और बहुत खूबसूरत मुक्तेश्वर महादेव और चौली की जाली। एंड ये मान्यता लोग पूरी करने के बाद जो जिनकी भी मान्यता पूरी हो जाती है, ये इस फेस्टिवल को, शिवरात्रि के फेस्टिवल को बहुत स्पेशल बना देता है। एंड ये सिर्फ शिवरात्रि पे ही नहीं, लोग वैसे भी आके यहाँ पर अपनी मान्यता पूरी करते हैं, एंड आज कुछ खास स्पेशल दिन है तो इसलिए लोग इसे पूरा करते हैं अपनी मान्यता यहाँ पे इस क्षेत्र के आर पार जाकर। ये देखिए गहराई, और गहराई को नापते हुए एक श्रद्धालु जो उस पत्थर पर ऐसे लेट करके गहराई को नाप रहे हैं,
अपनी निगाहों से। फिर नीचे मत जाना, ठीक है। चौली की जाली का जो खतरनाक पॉइंट्स है इसमें एक है वो याला रॉक भी है। यहाँ पर कोई कम लोग आते हैं लेकिन खतरा तो है ही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हैं और उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और आज का दिन उनका कैसा बीता। तो भाई साहब आप कहाँ से हैं? हरिनगर। ये कहाँ पर पड़ता है? नथुआ खान के हरिनगर से हैं आप। तो आज शिवरात्रि का जो मेला है उसे देखने के लिए आप आए हैं, तो कैसा लगा आपको? आपका नाम प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को। बताएं जी। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 52 वर्ष में हमारे गांव की इधर ही है, जब भी मेला लगता है तो हम इधर ही आते हैं। जी हाँ, बहुत, क्योंकि हमें बचपन से ही सर इधर को अच्छा लगता है। हाँ, देखते सब अच्छा है जी। मेले की इधर ही है। हाँ जी सर, आगे बस आगे पर गांव। मेले की क्या मान्यता है, आपको कुछ पता है? मेले की मान्यता यहाँ की क्या है, इतनी भीड़ क्यों रहती है यहाँ पे? ना पता नहीं, तो हम मंदिर की वजह से। हाँ, मंदिर की मान्यता है इसलिए आप आते हैं। बैकग्राउंड अच्छा सर, हाँ जी जी। हाँ, व्यू अच्छा है जी, इसलिए। भैया ज़्यादा आगे को आप ना जाएँ तो बड़ा सही रहेगा, क्योंकि वो नीचे बहुत गहरी खाई है और स्लिप होने का भी बहुत। हाँ, खतरा तो है ही है लेकिन वो है। हाँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले कुछ हादसे भी हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर हुए हादसे, इसलिए मैंने कहा था ना डेड एंड है ये, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। एक सरदार जी यहाँ पर से गिर गए थे, उनकी डेथ हुई थी। और एक टूरिस्ट आए थे तो उनकी भी यहाँ पर को क्या हो गई थी, यहाँ से उनकी वाइफ गिर गई थी। इतना पता नहीं सर मुझे जी। हाँ, वो उधर जो लेडीज थी वो यहाँ से गिरी थी। अच्छा, उधर से बहुत आगे तक गई थी। तो चौली की जाली का जो याला पीछे का हिस्सा है वहाँ पर को भी हम मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह तो है लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई सेफ्टी फीचर्स के साथ नहीं आते हैं, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया है, तो फिर आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है। तो एडवाइस तो यही रहेगी, यहाँ पर कोई ना ही आए तो अच्छा है। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास शूज़ अच्छे नहीं हैं, तब भी मत आइए, क्योंकि स्लिपरी, अगर शूज़ पहन के अब आते हैं चट्टानों पर तो आप गिर सकते हैं और इंजर्ड हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इतनी गहरी खाई में इंजर्ड की तो बात ही नहीं है, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है आगे। अभी हम पहुंचे हैं चौली की जाली में फिर से, और हमारे साथ हैं बिट्टू जो कि यहाँ चाय और पकौड़े का काम करते हैं, बेचते हैं, और काफ़ी अच्छी इनके हाथ में स्वाद है पकौड़ियों का। तो देखिए उन्होंने पकौड़ियाँ आज बनाई हैं बहुत अच्छी, और अभी ये पकौड़ी बना रहे हैं कस्टमर के लिए। ये है मुक्तेश्वर चौराहा और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है और रंग बिरंगे वस्त्रों में लोग जा रहे हैं और सबका मकसद एक ही, शिव दर्शन। मुक्तेश्वर का महान मार्केट है और ये जो फेरी वाले जो हर पहली तारीख को मार्केट लगाते हैं वो है, लेकिन आज क्राउड महा क्राउड है महाशिवरात्रि वाला। आप देख सकते हैं मैं क्राउड में होते हैं।